नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव और इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट में 8 विकेट से जीत गई है। एडिलेड में खेले गए डे नाइट टेस्ट में 8 विकेट से मिली हार के बाद भारतीय टीम ने शानदार वापसी की है। पहले टेस्ट के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली पेटेंटी लीव पर चले गए हैं, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम की जिम्मेदारी अजिंक्य रहाणे संभाल रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में खेला गया पहला टेस्ट मैच था, जिसमें भारत को जीत मिली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया दूसरी पारी में 36 रन पर ऑल आउट हो गई थी, जिसके बाद टीम को काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट से लेकर सोशल मीडिया पर टीम इंडिया को आलोचना का सामना करना पड़ा था। कई एक्सपर्ट ये मान रहे थे कि यहाँ से टीम इंडिया को बिना कप्तान कोहली और रोहित शर्मा के वापसी कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन ने ऐसे समय में टीम इंडिया का साथ देते हुए एक ट्वीट किया था और कहा था कि सेटबैक का जवाब कमबैक से देना। आज की जीत के बाद अमिताभ बच्चन ने फिर से ट्वीट करके टीम इंडिया का हौसला बढ़ाया है। टीम की जीत के बाद अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके लिखा, ये भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट में हरा दिया, बोला था ना मैंने सेटबैक का जवाब कमबैक से देंगे, दे दिया उनके घर में घुसकर, भारतीय टीम को बधाई। बताते अमिताभ बच्चन का ये पोस्ट सोशल मीडिया पे काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट को काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं और हजारों लोगों ने उनके ट्वीट को लाइक किया है और रीट्वीट किया है, इन पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। बता दें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था, लेकिन पूरी टीम महज 195 रन ही बना सकी। भारत ने पहली पारी में 326 रन बनाए, जिसमें अजिंक्य रहाणे की सेंचुरी और रविंद्र जडेजा की हाफ सेंचुरी भी शामिल थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 200 रन बनाए, जवाब में भारत ने 2 विकेट पर 70 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ये भारत की चौथी टेस्ट जीत थी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।